आ जाओ बच्चों, फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। क्या हो गया नीरज, क्या हो गया? आ जाओ फटाफट से कनेक्ट हो जाओ। तो आज के जो आपके क्लास है, इसमें हम बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक दोनों डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये थंबनेल बाद में एडिट हो जाएगा। डी एंड एफ ब्लॉक क्या है, दोनों डिस्कस करने वाले हैं। क्या मिल गया नीरज, आ जाओ फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, फटाफट से कनेक्ट हो जाओ बच्चों। तो पहले बात करते हैं डी ब्लॉक की, है ना। छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगी डी ब्लॉक का, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, इसी तरह से एफ ब्लॉक का कर लेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आ जाइए फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे यहाँ से और टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे और टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करती हूँ यहाँ पर बच्चों, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, देखो हमारे पास क्या है। अगर मैं पहले सीरीज लिख दूं, है ना, ये क्या है, स्कैंडिनम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, Cu, यहां पर क्या होगा, Zn। ये क्या है हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पिटाई करोगे
पड़ेगी। नवाब मौत तक रुकावट रहा पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पर अगर मैं क्यू की बात करूं तो ये आ गया सीयू, आगे आ गया हमारे पास एजी, आउ हो गया एयू, ये हो गया पीटी, ये क्या हो गया बच्चों क्रोमियम हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद नवाब में क्या हो गया हमारे पास एनवी, एमओ, टीसी, रुकावट आरयू, रहा आरएच, ये क्या हो गया पीडी। अब ये एलिमेंट्स है जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जिनके एस में दो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, है ना, इनका कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा और वही हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब मैं यहाँ बात करूंगी तो यहाँ क्या होता है बच्चों, जो प्लेटिनम प्लेटिनम होता है, है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है मेरे पास एन माइनस वन डी, है ना। देखो सपोज मैंने क्या ले लिया, ग्रुप नंबर ले लिया सबका क्या एक्स, ग्रुप नंबर एक्स है तो एन माइनस वन डी और एन एस को मिलाकर टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इसमें एक्स इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस केस में क्या होता है, सारे के सारे एक्स इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, एन माइनस वन डी में, और फोर जो हमारे पास क्या होगा एन एस होगा वो क्या होता है जीरो होता है, एन एस क्या होता है बच्चों जीरो होता है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए, बाकी के ये जो मैंने एलिमेंट्स लिख दिए, इनके केस में अगर कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करना हो, है ना, इनके केस में अगर कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इस केस में बच्चों, इस केस में हमारे पास जो अगर ग्रुप नंबर अगर x है, है ना, ग्रुप नंबर क्या है x है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा n माइनस वन डी x माइनस वन और ns क्या होगा वन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ns में जाएगा, बाकी के किस में जाएंगे, x माइनस वन इलेक्ट्रॉन जाएंगे n माइनस वन डी सबशेल में। तो इन एलिमेंट्स का ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनके अलावा जो बच गए उनका नॉर्मल होगा, जो टोटल जो भी ग्रुप नंबर है उनमें से दो इलेक्ट्रॉन उठा के कहाँ डाल दो, ns में डाल दो, बाकी के सारे किस में चले जाते हैं, n माइनस वन डी में चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे बच्चों, ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। अब मैंने क्या किया, इसी यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए, अब मैंने इस स्लाइड को कॉपी कर लिया। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसकी भाई, साइज की, है ना, साइज की बात करोगे तो क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ आओगे तो साइज क्या होता है बच्चों, नीचे आने पर 3D टू 4D 5D साइज इंक्रीज होता है, जनरली डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज क्या होता है इंक्रीज, यहाँ पर तो इंक्रीज होगा लेकिन बाकी केस में क्या होता है, जब 3D से 4D आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है ना, लेकिन बाद में 4D और 5D का ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है ना, ऑलमोस्ट क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट। वजह क्या होती है इसकी, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, वजह क्या होती है बच्चों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द रीजन, है ना, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट हो जाता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ एटॉमिक रेडियाई अगर सीरीज में, है ना, एटॉमिक रेडियाई अगर मैं बात करूंगी किसमें, सीरीज में बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की, तो हमारे पास क्या होता है, पहले क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है डिक्रीज, फिर क्या हो जाता है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट, फिर लास्ट में क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लास्ट में क्या हो जाता है बच्चों इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिया स्कैंडिनम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, सीयू और ये क्या है जेड, है ना, तो पहले साइज क्या होगा डिक्रीज होगा, साइज क्या हुआ डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट साइज क्या हो गया आपका कॉन्स्टेंट हो गया, ऑलमोस्ट साइज क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, फिर लास्ट में फिर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, यहाँ पर दो फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होता है तो साइज क्या होता है डिक्रीज, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होते हैं तो साइज क्या होते हैं इंक्रीज,
लेफ्ट टू राइट जाने पर दोनों इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो जो डोमिनेटिंग होगा उसी का रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको क्या है, ऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। बच्चों अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे ना, तो मेल्ट करना है आपको, है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि जो वहां पर आप एलिमेंट ले रहे हो उनके बीच में किस तरह की क्या है इंटरेक्शन है, है ना। अब यहाँ पर क्या है, सारे के सारे मेटल है, इनमें क्या होती है मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, है ना, इनमें क्या होती है मेटेलिक बॉन्डिंग। अगर तुम्हें मेल्ट करना है तो उस बॉन्डिंग को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जितनी ज्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, उतना ज्यादा ही क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना। अब जो मेटेलिक बॉन्डिंग है बच्चों, आपको पता है वो किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना, ज्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए अगर हम देखेंगे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, क्रोमियम के पास होते हैं। तो 3D सीरीज में क्रोमियम क्या होगा, पीक पे होगा, है ना, तो क्रोमियम वाले ग्रुप की सबसे ज्यादा होगी, है ना। इसी तरह अगर 3D से 4D से 5D जाते हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी होती जाती है, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट्स क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मतलब पीक पे कौन कौन लाई करेगा, क्रोमियम, है ना, क्रोमियम ग्रुप वाले, मॉलिब्डेनियम और क्या होंगे, टंगस्टन, ये क्या होंगे पीक पे। अगर इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। अब जब 3D सीरीज में तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो बच्चों, तो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं, है ना। जैसे जिंक के केस में क्या होंगे, वहां पर क्या होगी, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, जिंक कैडमियम मरकरी, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की अगर बात की जाएगी तो इस केस में क्या होगा, ये भी क्या करती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अगेन डिपेंड अपॉन द मेटेलिक बॉन्डिंग। किस पे डिपेंड करती है, मेटेलिक बॉन्डिंग, एंड यू नो वेरी वेल मेटेलिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो हमारे पास क्या होगा, अब क्या होता है, वही नॉर्मल ट्रेंड होगा, लेकिन क्या होता है, एक्सेप्शनली अगर मैं बात करती हूँ किसकी, वैनेडियम की, है ना। अगर वैनेडियम की बात करेंगे तो वैनेडियम के केस में आपको हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखने को मिलती है, और वैल्यू इसकी क्या होती है, 515 किलो जूल पर मोल। तो सबसे ज्यादा इसकी देखने को मिलती है एक्सेप्शनली, ये किसकी, वैनेडियम की। बच्चों आ गई बात समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये वेरिएबल तो दिखाते ही हैं, क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब क्या होगा, जो स्कैंडिनम होगी ना, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अगर बात की जाए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट,
जाए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहां पर क्या होगा, प्लस टू होगी। ठीक है, प्लस टू इनकी क्या होती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों। अब देखो क्या है हमारे पास, बात ये है कि अगर हमारे पास स्कैंडिनम की बात करें, इसकी प्लस टू क्या है, अननोन है। इसकी प्लस टू क्या है, अननोन है। इसकी प्लस थ्री क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। पॉइंट्स बता रही हूँ इंपॉर्टेंट। अगर टाइटेनियम की बात करेंगे तो टाइटेनियम की प्लस फोर क्या है, मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू क्या, टाइटेनियम प्लस टू एंड टाइटेनियम प्लस थ्री के, इन दोनों के कंपैरिजन में टाइटेनियम प्लस फोर क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अगर बात करेंगे नेक्स्ट, यहां पर 3D सीरीज में देखें तो 3D सीरीज में मैग्नीज क्या करता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और वो कितनी होती है, प्लस 7। 3D सीरीज में मैक्सिमम। और वैसे ओवरऑल देखें तो ऑस्मियम दिखाता है, और ऑस्मियम की क्या होती है, प्लस 8 होती है मैक्सिमम बच्चों। ठीक है, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट CU की, CU की अगर बात करोगे बच्चों किसमें, सॉलिड स्टेट में, तो इसकी CU क्या है, प्लस 1 ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। लेकिन अगर आप लिक्विड फॉर्म में बात करते हो, जब हाइड्रेशन करवाया, तो प्लस 2 ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर देती है, कंपनसेट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बच्चों, ये क्या है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हो और नेगेटिव भी दिखा सकते हो, है ना। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, नेगेटिव भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए, जब हम 3D से 4D से 5D जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, इंक्रीज, है ना। जब 3D से 4D टू 5D जाएंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर हमारे पास क्या है, सपोज मैंने ले लिया बिहेवियर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, नो डाउट ये भी प्लस 6 दिखा सकता है, ये भी दिखा सकता है, ये भी, लेकिन इसकी जो प्लस 6 होगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। इसकी जो प्लस 6 होगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। आई बात समझ में। अब होता क्या है बच्चों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, कि जो हमारे पास MnO4 नेगेटिव है, ये क्या है, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि, बट जो ReO4 नेगेटिव है इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, जबकि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बच्चों। बात करेंगे यहां पर, देखो यहां पर क्या है, अगर मैं बात करूं MnO4 नेगेटिव और क्या है, आर
इसकी जो प्लस सेवन होगी, इसकी जो प्लस सेवन है वो क्या होगी, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, गेन कर लेगा तो इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो ये क्या हो गया, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या वो आपसे पूछ लेता है पेपर में, हमने पढ़ा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जो 3D में मैग्नीज दिखाता है ना, तो अगर बात करें हैलाइड्स के केस में, हैलाइड्स के केस में मैक्सिमम 3D सीरीज में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, तो 3D सीरीज में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलती है वो दिखती है +6। मैक्सिमम क्या दिखती है, +6। कौन बनाता है, CR बनाता है, CrF6 बनाता है। ठीक है, जो मैक्सिमम मैग्नीज की +7 आ रही है वो कहाँ देखने को मिलती है, ऑक्साइड्स के केस में देखने को मिलती है। 3D सीरीज में जैसे इसने बनाया क्या, MnO4-। ठीक है, MnO4-। आ गई बात समझ में। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, इसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे, बात करते हैं किसकी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हम बता रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर। अगर हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +5, +6 और क्या है, +7। जनरली अगर हमारे पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या होगा बच्चों, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो क्या होगे, वहां पर जो ऑक्साइड्स होती हैं जनरली वो आयनिक होती हैं, आयनिक होंगी। ठीक है, तो वो क्या होंगी, उनकी ऑक्साइड्स बेसिक नेचर की होंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन +6 या +7 है, जैसे MnO4-, तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके फिर MnO4- बनाना, दैट इज नॉट पॉसिबल कि कोई एलिमेंट क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो MnO4- में क्या है, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, तो ये वाली ऑक्साइड्स क्या होती है, बेसिक। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी एसिडिक, ये वाली ऑक्साइड्स कैसी होंगी, एसिडिक। और जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होंगी, एम्फोटेरिक नेचर की होंगी, वो क्या होंगी, एम्फोटेरिक नेचर की होंगी, वो क्या होंगी आपके पास, एम्फोटेरिक नेचर की होंगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ना कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर है जो जनरली वो पेपर में पूछ लेता है, जैसे लास्ट टाइम उसने गेट में पूछा था शायद, या जैम में पूछा था, जैम में पूछा था, है ना, ये स्ट्रक्चर पूछा था, उसने क्या पूछा था, इसकी ज्योमेट्री पूछी थी, है ना, VOAC का होल 12, तो कुछ, और ये आपकी स्लाइड में ऑलरेडी मैंने आपको कराया भी था, है ना, तो कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर उसने इसकी ज्योमेट्री पूछी थी, तो क्या होगी बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ये क्रोमियम +3 का एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, है ना, आपको वो ये कॉम्प्लेक्स दे दे और पूछ ले यहाँ पर कि नाम लिख के कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा क्रोमियम के सेंटर के अराउंड। बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लो, तो क्रोमियम के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, 6 है। तो एक बार इसको देखा होगा तो तुम इजिली क्या कर पाओगे, इसका आंसर कर पाओगे, है ना, इजिली क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्रोमियम एसीटेट डाइहाइड्रेट, है ना, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर, जो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मैंने स्लाइड में डलवाए हैं इनको एक बार देख लेना, इससे रिलेटेड वो पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है बच्चों, है ना, पूछ लेता है। क्या यहाँ पर भी देखो, अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CR और CR, ये दो CR लगे हुए हैं आपके पास, है ना, अब एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये आपके पास एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया, चौथा हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर है। इससे रिलेटेड वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे या कुछ भी, तो आपको थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो आइडिया रहेगा। वही तो, जितने जो बुक में मिले इसलिए तो स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ताकि
देखा हुआ हो तुमने, है ना, आए तो देखा हुआ हो। नेक्स्ट अगर ब्लास्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक ये है हमारे पास, ये जिंक एसीटेट का स्ट्रक्चर है बच्चों। ये क्या है? जिंक एसीटेट का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ से ये देख लो, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन है। ये क्या करते हैं? दोनों एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा एग्जिस्ट करेगा डिपेंड करता है कि पीएच क्या मेंटेन किया, दैट इज ऑन द डिपेंडेंट अपॉन द पीएच, है ना। अगर आपका सिस्टम क्या होगा, बेसिक मीडियम दे दिया तो आपके पास क्या है, क्रोमेट आयन बनेगा। क्रोमेट आयन का कलर भी आपको पता होना चाहिए, ये कैसे कलर का होता है, येलो होता है ना। अगर डाइक्रोमेट आयन की बात करोगे, अगर एसिडिक कंडीशन है तो डाइक्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा और इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। कई बार वो कुछ रिएक्शन देता है तो अगर आपको कलर पता है तो आप डायरेक्ट सही आंसर तक पहुंच जाते हो बच्चों, है ना, डायरेक्ट सही आंसर तक पहुंच जाते हो। और अगर यहाँ पर बच्चों बात करें, वो आपसे क्या पूछे, हाइब्रिडाइजेशन पूछे। अच्छा मुझे यहाँ पर CrO42 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन बताना, क्या होगी मैम इसकी हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगी CrO42 नेगेटिव की, फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, sp3। ओके, बाकी और बच्चे भी बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी CrO42 नेगेटिव की, CrO42 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी।
डिस्कस कर रहे हैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में, है ना, उसने आपसे पूछा क्या, जो टर्म सिंबल भी निकाल लेंगे और साथ के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट। सपोज उसने क्या दे दिया आपको, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया बच्चों, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बन रहा हो और मेटल क्या हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो वो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल की तरह स्टडी किया जाता है और वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होकर क्या होती है, d3s होती है। कंप्लीट बॉन्डिंग मैंने क्लास में भी डिस्कस करी थी, है ना। f ब्लॉक से इस दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। अगर मैं बात करती हूँ भाई cm3 पॉजिटिव कॉन्फिगरेशन क्या होगा, बताओ फटाफट से मुझे, cm3 पॉजिटिव कॉन्फिगरेशन क्या होगा, फटाफट से बताओ। 4f1 होगा। तो पहले क्या करते हैं, इसका टर्म सिंबल निकाल लेते हैं, टर्म निकाल लेते हैं, फिर वहां से ही क्या कर देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज मैंने बात की, ये क्या है, 4f1 आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन है, +3 +2 +1 0 -1 -2 और क्या है, -3, है ना। अब इस केस में क्या है बच्चों, ये है 4f1, टर्म की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 2s+1 और यहाँ क्या होता है s, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर बात की l की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मतलब ये कौन सी स्टेट हो गई, f स्टेट हो गई। s की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 2s+1 क्या आएगा, 2 आ जाएगा बच्चों, है ना। 2s+1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपसे वो क्या करवाए, J कैलकुलेट करवाए, J क्या होता है, L-S, L क्या है आपके पास, 3, माइनस कर दोगे क्या, 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, वेलकम बच्चे, वेलकम, है ना। इसी तरह पढ़ते रहो बस, अच्छा अच्छा एग्जाम करके आओ, एग्जाम करते रहो, है ना। ये आ गया हमारे पास, तो टर्म सिंबल की रिप्रेजेंटेशन ये होती है, एल माइनस एस क्यू लिया मैंने, लेस देन हाफ फील्ड के लिए, इसलिए लेस देन हाफ फील्ड के लिए, लेस देन हाफ फील्ड के लिए मैंने ले लिया बच्चों। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये आपके पास आ गया 2f 5/2, है ना, 2f 5/2। अगर वो आपसे पूछे क्या, मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन करवाए, मैग्नेटिक मोमेंट अगर f ब्लॉक लेंथ एंड एलिमेंट्स का निकालना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए बच्चों म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है g अंडर रूट j इंटू j प्लस 1। जी कैसे निकालते हो, जी की वैल्यू होती है 1 प्लस s इंटू s प्लस 1 -l इंटू l प्लस 1 +j इंटू j प्लस 1 /2j इंटू j प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहां पर s की वैल्यू आपके पास आ चुकी है क्या, 1/2, है ना। l की वैल्यू आपके पास है क्या, 3। j की वैल्यू आपके पास है क्या, 5/2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहां से क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आ गई, जे की वैल्यू आ गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हो। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी पड़ती है, लेकिन वो पेपर में इसी दो तरह के क्वेश्चन ही बच्चों एफ ब्लॉक से पूछता है ना, दो तरह के। और ये वाला फॉर्मूला जो है ना आपका, ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होता किसके लिए, रोपियम 2-3 पॉजिटिव के लिए और समेरियम 3 पॉजिटिव, बाकी सबके लिए ये क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। और जो करेक्टरिस्टिक्स है एफ ब्लॉक की, वो एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आपका रिवाइज हो गया पूरा, और अब आपका ट्यूसडे को टेस्ट होता है ना शायद, तो ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा, ट्यूजडे को आपका टेस्ट होगा। बाकी किसी ने कुछ पूछना है बच्चों तो पूछ लो, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैंने पूरा रिवाइज करा दिया, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको बता दिए भाई।
तो होगी भाई 3 बजे, जुलाई बैच वालों की होगी, बाकी मेरा भी स्लॉट जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। क्या है लेकिन लेवल में डिफरेंस है ना, लेवल में डिफरेंस है। सीएसआई या नेट के लिए, नेट के लिए थोड़ा हाई लेवल पूछता है बच्चों को, है ना, यूपी पीजीटी से डिफरेंस होता है। हाँ दे सकते हो, देने में तो क्या ही है, है ना। ठीक है बच्चों, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। ओके भाई, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको लगे ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। और जो बच्चा न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने, अब आपके एग्जाम्स नियर हैं तो लगातार आपके सेशंस हो रहे हैं, आपके लिए यूजफुल रहेंगे। टीफर के सेशंस भी आएंगे बच्चों, TIFR के सेशंस भी लगातार आएंगे। हाँ इसी टाइप के आते हैं। डाउट क्लास हो जाएगी जब, बता देंगे आपको।